आप लोगों के सामने समक्ष रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वाजपेयी जी का योगदान हर एक क्षेत्र में था, जैसे राजनीति, साहित्य, दोनों देशभक्त। किसी कम ने उन पे खूब कहा है कि जो इंसान बारिश में भीगता है वे निवास बदलता है, जो इंसान बारिश में भीगता है वे निवास बदलता है, लेकिन जो इंसान साहित्य में भीगता है वे इतिहास बदलता है। तो कुछ इस कदर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पे ये प्रज्ञा सुशोभित होती हैं, इसलिए इस कदर इस लोकप्रिय नेता भारत रत्न बिहारी जी पर वाजपेयी पर बहुत सुशोभित हैं, क्योंकि अटल जी एक केवल राजनेता के रूप में नहीं बल्कि वे कवि, लेखक, पत्रकार और एक कुशल राजनेता भी थे और एक राजनीतिवान व्यक्ति भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के एक ऐसे मात्र नेता थे जो अपने ही पक्ष में नहीं वे विपक्ष में भी लोकप्रिय थे। अब बात करें हम उनके राजनीतिक गतिविधियों की, तो हम बता दें कि सन 1955 में वे पहली बार चुनाव के मैदान में उतरे थे, लेकिन किसी कारणवश वे हार के सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन दो वर्ष मात्र बाद समय का चक्र इस कदर घूमा कि सन 1957, सन 1967, सन 1972, सन 1977, सन 1980, सन 1991, सन 1996 और सन 1998 तक के सातवें बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और भी और वे 1962-1986 में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए और भी और यही सब देखते देखते वे भारतीय जनता पार्टी के 1980-1986 तक वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने रहे। इन्हीं सब राजनीतिक गतिविधियों को देखते देखते फिर से समय का चक्र एक बार फिर घुमा जब भारत के इतिहास में एक महान व्यक्ति का नाम जुड़ने जा रहा था। भारत के इतिहास में वो नाम कोई और नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। जब वो दिन आया, वो दिन था 16 मई 1996। 16 मई 1996 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर के नारायण जी के द्वारा जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे एक हिंदी के बेटे का एक साहित्य के लाल को भारत के 10वें प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कराया गया। वो कोई और नहीं हमारे लोकप्रिय नेता स्वर्गीय भारत रत्न पद्म भूषण अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब राजनीति की बात को देखते देखते वे उनसे पहले वे साहित्यकार भी और हैं, आज भी हैं वो, क्योंकि किसी ने कहा है कि कोई व्यक्ति मरता है नाम नहीं, जब तक कोई उनका नाम लेने वाला है वो कोई मरता नहीं, तो वो जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक अटल बिहारी जी का नाम रहेगा। अब बात करते हैं अगर हम साहित्य और देशभक्त की, हम बता दें कि साहित्य में अटल जी का बहुत योगदान था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी साहित्य में क्या महत्व था, आप इनके नाम से जुड़े हुए पुरस्कारों से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे गोविंद बल्लभ भाई पर बल्लभ पर पुरस्कार, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, पद्म भूषण आदि। आप बात करें हम देशभक्ति की, तो बता दें कि अगर आप सभी लोग परमाणु मूवी नहीं देखे हैं ना तो एक बार देखें, परमाणु मूवी देखेंगे तो अटल बिहारी की बात देखिए देशभक्ति जरूर आपको दिखाई देगी। जैसे पुराने समय में ब्रह्मास्त्र होता था,
जिसकी वजह से जिसके पास नेता था उस पर कोई देश कोई राजा आक्रमण नहीं कर सके, वो अपने देश की रक्षा अपनी रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेते हैं। और वो आज ऐसा ही नेता था कि आपको आसानी से मिल जाता था, बहुत त्याग बहुत तपस्या करने के बाद मिलता था। और ब्रह्मास्त्र का इस युग में नाम परमाणु बम है, जिसे अपने देश की रक्षा के लिए बनाया किया गया है। और वो परमाणु बम किसी और के त्याग तपस्या से नहीं, हमारे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से प्राप्त हुई। इसीलिए अब ज्यादा कुछ न कहते हुए हम आप लोगों के समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के पे शायरी बोलना चाहूंगा कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो अटल जी से महापुरुषों का प्रेरणा मिलेगी, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो अटल जी से महापुरुषों से प्रेरणा मिलेगी, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, एक दिन भारत देश का नजारा बदलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।